हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। और राम राम भी गुड मॉर्निंग क्या, आफ्टरनून हो गया। आज बहुत लेट लोग स्टार्ट किया, सो रहे थे हम लाभ लेट तक थक चुके थे बहुत ज़्यादा। तो मम्मी से भी करो राम राम। राम राम जी, राम राम, सब कर राम राम। चाय बना रही हूं। ये बना रहे हैं चाय। और जीजा जी बनाए। तो मौसा जी और मौसी आए हैं, तो मौसी से मिलाता हूँ। तो गाइस, अभी ये भर रही है पानी, तो इसे भी करो राम राम। राम राम सभी को। ये पानी भर रहे हैं, इधर चाय मम्मी ने उफान दी है, ये देखो। हाँ, गणु दकारी उफान दी इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे चम्मच लेने की जरूरत नहीं थी। फुल पे क्यों कर रखे थे गैस को आप? तो पानी भर रहे हैं भैया, ट्यूबवेल में पानी नहीं आ रहा है क्योंकि आज लाइट स्लो है हमारी। हमारे मोहल्ले की यही दिक्कत है कि हमारे यहाँ पे लाइट प्रॉपरली नहीं आ पाती है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे डीपी लगवानी पड़ेगी, बोल के एक डीपी एक्स्ट्रा लग जाए तब जाके हमारा सोल्यूशन होगा। तो करेंगे कोशिश, एप्लीकेशन देंगे। तो भाई जी, अभी शाम के 5 बज चुके हैं, आज ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया है। और अभी हम जा रहे हैं दीदी बाबूजियों की तरफ, तो चलते हैं। आज बहुत दिन हो गए, 2-4 दिन हो गए गए, तो चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं दीदी की तरफ और कपड़े फैला रखे हैं इन्होंने, दादी ने, दोनों ने। दादी राम राम। ये अच्छा मार्केटिंग कर रहे हो साथ में? तो ये सब फैला रखे हैं इधर, छापी वगैरह, साड़ियाँ वगैरह सब कुछ है इधर। जिसको खरीदारी करनी हो दीदी से कर सकते हैं, जो भी पसंद आए वो साड़ी बता देना, हम आपके भेज देंगे। नहीं कि नहीं है, अभी तो दादी की भेज देंगे, जितने भी दादी की साड़ी आई है वो सब भेज देंगे। कैरी भी यार भेज दी तो सही है। गुड्डू क्या कर रही है तू? गुड्डू भी 10 साड़ी देख रही है। तो भाई इसमें से देखो, बेडशीट आई है दादी के, तो आरू को एक बेडशीट दी जाएगी गिफ्ट में। आरू बेडशीट छांट रही है, फोन आ रहा है। तो गाइस, जब भी हम आ चुके हैं अपने घर, दीदी और से मिल के, और इधर आरू बना रही है अभी पराठे। आज सब्जी क्या बनाई आरू? दाल। तो आज बनी है हमारी दाल, तो खाते हैं खाना, भूख लग रही है मुझे। लेकिन गाइस, मेरे पता नहीं कल दाढ़ पता नहीं क्या आ रही है इधर, तो बहुत भयंकर पेन हो रहा है इधर, सूजन ही हो गई एक तरीके से। तो खाना खाने में दिक्कत होने वाली है, तो एक ही रोटी खाई जाएगी, लेकिन खा तो लेते हैं पहले, वरना दलिया वगैरह खाऊंगा। तो भाई, जब भी हम आए हैं बजरंग बली के। हेलो गुड्डू, इधर ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ चले चले, मैं पिला रहा हूँ पानी। खाट श्याम जी की टी शर्ट देखो गुड्डू की। तो ये हमारे बजरंग बली, तो दर्शन करो आप लोग भी, मंगलवार आज। तो भाई जब चल रहे हैं घर, ये पता नहीं क्यों ही गुस्सा होती है लड़की। चले चले क्या कर, यहीं पे छोड़ दे। ये खाटू श्याम बाबा की टी शर्ट पहनी है गुड्डू ने, तो कौन लाया था? क्या बोल रही थी अरुई? सुबह पहना था, ऐसे बोली थी मम्मा बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी हो मेरे लेके। तो क्या है, आरू लेके आई थी ना, जो आरू को और दी थी, थैंक यू। चले तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं घर, और अभी आए हुए 1 घंटा हो गया खाना भी, वरना तो मैंने पहले ही खा लिया था। और अभी ब्लाउज वगैरह को जमा रहे हैं हम। आप लोगों की आ चुका है न्यू स्टॉक लेटेस्ट। तो गाइस, लेटेस्ट स्टॉक जानते हैं आरू से, कौन कौन से आए आरू? न्यू ब्लाउज आए हैं, तो अभी दिखाने वाले हैं, 1-2 खोल के बाद में दिखाएंगे, पहले इनको जमा देते हैं थोड़ा सा। तो गाइज, ये वाले यहाँ आए हैं न्यू ब्लाउज, जिनके अंदर है बहुत ही प्यारी शाइनिंग, क्या ही शाइनिंग है गाइज इनके अंदर, देखो बिल्कुल चमक सी है, लेकिन कैमरे के अंदर आप लोगों को नज़र नहीं आ रही क्या? ये वाली आई है एक डिजाइन, एक ये वाली आई है गाइज, देखो बिल्कुल लेटेस्ट बंदेज के अंदर, बहुत अच्छा प्रिंट है इसका, ये देखो। और इसके अंदर पहले वाले के अंदर तो ये वाले कलर मिल जाएंगे आपको, देखो ब्लैक कलर मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, ब्लू लाइनिंग में भी है, ब्लू चेक्स वाले मतलब डिब्बे में भी है इस वाले के अंदर, और इस वाले के अंदर मिल जाएंगे आपको, इसके अंदर एक ग्रीन कलर, रेड कलर, गोल्डन कलर और ब्लैक कलर, ये मिल जाएंगे। और बाकी पहले वाला भी जो स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक था वो सब आ चुका है। तो जल्दी से विजिट करो आरटी कलेक्शन पे, और ब्लाउज लो जल्दी से जल्दी, सबके रिप्लाई मिल रहे हैं, कल से वापस से काम स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज बीच के अंदर थोड़ा काम रुक गया था अभी, तो कल से वापस रिप्लाई देना शुरू हो जाएंगे गाइस। तो करो ऑर्डर, तो मम्मी को भी ब्लाउज मिलेंगे इनके अंदर से, दोनों में से एक एक, सब में से एक ब्लाउज देंगे इनको। और ये थप्पड़ को इकट्ठे कर रहे हैं अभी, और गोटा पत्ती में चाहिए तो ये सामने पड़े हुए हैं, बहुत ही प्यारे ब्लाउज सामने पड़े हुए हो। तो गाइस, इधर आरू खा रही है अभी खाना, बिकॉज 10-10:30 बज गए होंगे, और इतना लेट खाना खा रही है, ब्लाउज जमाने में रह गए हम लोग।
और इधर मम्मा है, इधर लाली इधर तरबूज काट रही है उनको, तो तरबूज खा रहे हैं तो हम भी खा लेंगे साथ के साथ। आपके लिए भी काट देना तरबूज, तो काट दो, ठंडा हो गया अभी तरबूज तो उसका खा लेंगे अभी, जस्ट लेके आए थे। तो ये बोल रही कि पराठे अचार के तेल के बनाए तो बहुत टेस्टी लगते हैं अचार के तेल के अंदर, स्वाद ही अलग आता है, मसाले जैसा स्वाद हो जाता है उसके अंदर। तो गाय तरबूज कट चुका है, तरबूज लेके आ चुका हूँ मैं, और ये खा रही है अभी तक खाना, और मम्मा इधर खा रही है, गुड्डू इधर खा रही है। गुड्डू कैसा लगा तरबूज आपको? भी अच्छा लगा, मस्त लगा है, गजब। लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक नंबर लगा तो गए। जब खाना खाने के बाद ये लोग खा रहे हैं कैरी, तो ये कैरी हमारे गांव से लेके आए थे। ये देखो ये गुड्डू खा रही है, कैसी लगी कैरी? टेस्टी है, बट मैंने उसको डांट दिया ना, मैं तो बोली सॉरी मम्मा। सॉरी मम्मा बोल रही है, गुड्डू ने डांट दिया आरू को उल्टा। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है, तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और मिलते हैं कुछ अच्छा से लेकर नेक्स्ट व्लॉग में। तो जिस चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय गाइस।